दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है फोटोशॉप पे वेंडिंग एल्बम कैसे क्रिएट करें। ठीक है, वैसे आप थंबनेल देख के तो जाने गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा कैसा होगा। तो हम क्या करना है, टॉपिक की तरह बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पहला काम हमारा रहेगा फोटोशॉप को ऑन करना। फोटोशॉप को ऑन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट काम हमारा रहेगा, एक हमें पेज चाहिए, न्यू ब्लैंक पेज चाहिए। तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एन, और यहाँ पे जो पेज मतलब जो विंडो खुल के आया हुआ है, ये न्यू पेज का एक पेज है, जहाँ पे आपको पेज की साइज सेट करना है कि आपके पेज की साइज कितनी होनी चाहिए, इंच में होनी चाहिए कि पिक्सल में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लेंगे जो हमारा पेज होगा वो पिक्सल में लेंगे, 1920 × 1080। ठीक है, हमारा रहेगा 1920 × 1080। ठीक है, ये साइज आप ले लेंगे। अगर आप मैन्युअली लेना चाहते हो तो यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप टाइप करना चाहते हो तो आप टाइप भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कर देना है ओके, तो एक पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक हमें क्या चाहिए, एक इमेज लेना मुझे बैकग्राउंड पे लगाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे साइड में क्लिक करना है। साइड में क्लिक करने के बाद हम उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें इमेज हमने रखा है। तो इमेज हमने रखा है भाई, यहाँ पे हमने रेड कलर ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना कंट्रोल ए, मूव टू लेना है, इसको ड्रैग कर लेना है इस पेज पर, और इसको कर देना है क्लोज। ठीक है, इसको आप ऐसे प्लस स्क्रीन कर लीजिए, कॉर्नर से सेट करके इसे पूरे पेज पर ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद फिर इसको छोटा कर लेना है और साइड इफेक्ट क्लिक करना है। एक मुझे इमेज और चाहिए, ये वाला इमेज, मुझे इसी इमेज को यहाँ पे यूज करना है, तो हमें डबल क्लिक मारना है भाई, ये भी आ गया। फिर कंट्रोल ई करना है, इसको ड्रैग कर लेना है इस पेज पर। इतना करने के बाद फिर आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, और यहाँ पे हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको चाहिए वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एडजस्ट कर लो, बात समझ आ गई। उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, तो बड़ा भी चढ़ से कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद अब हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, आपके टूल्स बॉक्स में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसको सैप्स बोलते हैं, रेक्टेंगल टूल्स। आपको इस रेक्टेंगल टूल्स से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्टाइल्स होना चाहिए वो सैप्स स्टाइल में ही होना चाहिए, सैप्स लेयर एक्टिव होना चाहिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ बना अपने पेज पर, और यहाँ पे एक सैप्स का मतलब एक रेक्टेंगल का निर्माण करना है। इतना करें, मूव टूल लीजिए, इसको आप अपने इच्छा अनुसार जहाँ भी आप व्यवस्थित करना चाहते हैं आप व्यवस्थित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको फिर अप्लाई टूल्स पे, किसी भी टूल्स पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। और देखिएगा, यहाँ पे साइड में आपका विंडो लेयर्स नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको विंडो में जाना है और यहाँ मिल जाएगा लेयर्स, लेयर्स पे क्लिक करना है। देखिए आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास कितना लेयर है ये भी बता रहा है, आपका बैकग्राउंड कौन सा ये बता रहा है। ठीक है, ये हमारा लेयर 2 है, ये लेयर हमारा 1 है, और जो हमारा ये है ना, ये सैप्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस सैप्स को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जब हम प्रेस करेंगे तो भाई एक लेयर फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, डिसलेक्ट करना है। डिसलेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेलेक्ट मेन्यू में, और यहाँ डिसलेक्ट कर सकते हैं। डिसलेक्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल D। ठीक है, अभी देखिए ये एक्टिव हो गया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक मारना है, इस स्टेप्स पे राइट क्लिक मारने के बाद देखिएगा, हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए ना, ब्लेंडिंग ऑप्शन। आपको इस ब्लेंडिंग ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल के आपके सामने आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ड्रॉप साइडों पे क्लिक करना है। ड्रॉप साइडों पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा बहुत इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पे ड्रॉप साइडों पे क्लिक किया और यहाँ इफेक्ट अप्लाई होगा, देखिएगा ये देखिए। ठीक, हल्का करना हल्का कर लीजिए, इसको बढ़ाना बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्वेच्छा अनुसार एडजस्ट करिए इसको। इतना करने के बाद आप आउटगो पे जाइए, यहाँ से भी आप कलर ब्लैक कर लीजिए, ओके करिए, और थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यहाँ भी सेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। उसके बाद आप आउट स्ट्रोक इसका बढ़ाना चाहते कर लीजिए, नहीं तो आप आउटलाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। फिलहाल मैं लगा देता हूँ, आउटलाइन लगाता हूँ ब्लैक कलर। ठीक है,
और ओके करते हैं। और स्काउट स्ट्रॉक जो होने चाहिए ना साइज, उसको आप 5-6 पॉइंट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद ना आपको एक ऑप्शन फिर यहाँ मिलेगा, देखते होंगे आप, ब्लेंडिंग दिया है ना, ब्लेंडिंग ऑप्शन डिफॉल्ट, ठीक है। आपको यहाँ क्लिक करना है, डिफॉल्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी आपको सेटिंग करना है, क्योंकि हम जो ये आपका जो प्रोग्राम्स है 7.0 फोटोशॉप, इसमें थोड़ा सा इसमें हम ब्लेंडिंग सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा अलग ही मतलब सेटिंग करना होता है, इसलिए हमें आना पड़ेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में। और यहाँ पे जो इसकी फील कैप ऑपसिटी है ना, इसको 0 कर देना। आपको 0 करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, जहाँ पे नन है, यहाँ पे नन आने के बाद आपको यहाँ पे डीप पे क्लिक करना है, ठीक है। देख लीजिएगा डीप ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ डीप एक्टिवेट हो जाएगा, जब डीप एक्टिवेट हो जाएगा ना, बस इतना करने में आपको ओके कर देना है। ओके हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, लेयर टू को हमें सेलेक्ट करना है और इसको लेयर 1 के नीचे मुझे लाना है, ठीक है। लेयर 1 के नीचे लाना है, तो लेयर 2 को सेलेक्ट करेंगे और माउस का ब्लैक बटन दबा के ड्रैग करेंगे लेयर 2 के नीचे। तो देखिएगा यहाँ पे जब लेयर 2 के नीचे हम आ गए ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका इमेज लेयर 1 के पीछे चला गया। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl E, ठीक है। जब कीबोर्ड से Ctrl E प्रेस करेंगे, देखिएगा हमारा इमेज इस सेप्स के अंदर फिल हो गया, ये देखिए फिल हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इतना हमारा हो गया। अब हमें करना कीबोर्ड से, आप कुछ नहीं दबाना फिलहाल, अभी तो आपको जाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से Alt की प्रेस करके रखिएगा, इसका डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए, ये देखिए डुप्लीकेट तैयार हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा और खसका सकते हैं इसको, अगर तिरछा और से करना है तो तिरछा भी कर सकते हैं, वैसे आप अपने स्वेच्छा से, मान लीजिए हमें तिरछा करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉर्नर पकड़ के से देखिए तिरछा कर दिया, ये देखिए तिरछा हो गया। अप्लाई कर देंगे, जैसे था वैसे हो जाएगा, देखिए ठीक। फिर Ctrl Z करिए, जैसे था वैसा हो जाएगा। तो अपने स्वेच्छा अनुसार आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेयर 1 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे छोटा कर लेते हैं और इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा इफेक्ट और मुझे अप्लाई करना है, तो दूसरा इमेज मंगाते हैं। हमने इमेज मंगा लिया ये वाला, इसको ड्रैग कर लिया अपने इस पेज पर, ठीक है, बैक चला गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको फिर एडजस्ट करते हैं अपने पेज पर, देखिए एडजस्ट हो गया। साइज थोड़ा सा छोटा वोटा करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है। इतना करने के बाद ना, अगर आपको ये बेहतर लगा है तो ठीक है, नहीं तो आप जाएंगे कहाँ पे, इस लेयर विंडो में, और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख लीजिएगा, लेयर कलर बग, देखिए मॉडल चेंज किया। अगर ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारे मॉडल्स दे रखा है, लाइटिंग में दे रखा है, ठीक है, मल्टी कलर दे रखा है, मल्टी पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे आपको बेहतर लग रहा है वैसे आप यहाँ से पेज ले लीजिए, ठीक है। ये आपका मॉडल अगर बेहतर है तो इसी पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लेंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं जो एल्बम में यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे हमारे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।